हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री कॉर्नर। सो गाइस, आज हम अपनी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं, जिसको हम जीओसी बोलते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज हम वही उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपना, जिसके अंदर हम सारे बेसिक्स टर्म्स जानेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन है, उसके अलावा हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, हकल्स रूल क्या होता है, वो सब कुछ हम आगे अपनी आने वाली अपकमिंग क्लासेस में करने वाले हैं। सो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट स्पीशीज होती है और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है। अब रिएक्टेंट स्पीशीज से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है? रिएक्टेंट के अंदर बेसिकली जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने के बाद में वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। और बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और हम अपनी लास्ट क्लासेस में करके आए केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो टू टाइप से हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। तो बेसिकली रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, और उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे पहले हम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा दो टाइप से हो सकता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सेकंड वन इज टेम्पोररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम पे, वो बेसिकली दो टाइप से हो सकता है, या परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब हम पहले परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा जानेंगे कि परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, अगर हम परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इवन इन द एबसेंस ऑफ रिएजेंट। इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो रिएजेंट की एबसेंस में भी हो सकता है। अगर रिएजेंट कोई प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे भी परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा। अगर हम एग्जाम्पल देखें परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन से आएंगे, तो हमें इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे, हाइपर कंजुगेशन, और हम यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेंस मेसोमेरिज्म, उन सब इफेक्ट्स को हम इसके अंदर आगे जानेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, और रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा था परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट,
इस टाइप के अंदर देखो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। देखो हमारा परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो था वो रिएजेंट की एब्सेंस में भी हो सकता था, लेकिन जो हमारा टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। जब हमारे पास कोई रिएजेंट गिवन होगा तभी हमारा टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर एग्जाम्पल किसका आएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसके अंदर हम कौन से इफेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब हम आगे नेक्स्ट वन बाई वन इन सारे इफेक्ट को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखो हेडिंग डालो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर देखो क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो एक तो ये हमारा हमने देखा कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और एक कब होगा सेकेंड चीज क्या, और एक कब होगा डिस्प्लेसमेंट, व्हेन कार्बन चेन के अंदर क्या अटैच होगा यहाँ पे, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी देन द कार्बन एटम, देन द कार्बन एटम। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन चेन के अंदर एक ग्रुप ऐसा अटैच होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी, इज अटैच्ड विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, कार्बन एटम से अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम अटैच होगा विद द कार्बन चेन, कार्बन चेन के अंदर। देखो दो सिंपल सी बातें याद करनी है हमें इंडक्टिव इफेक्ट के रिलेटेड, कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर बेसिकली परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकेंड चीज, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन एटम से अलग, वो अटैच होंगे कार्बन चेन के अंदर, तभी डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, इंडक्टिव हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, हम इंडक्टिव इफेक्ट टाइप्स की बात करें तो दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। एक तो हमारे पास क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट जिसको प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा क्या होगा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जिसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं और इसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब शो करेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट अटैच,
जब कार्बन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा उस टाइम पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट कब शो होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड। देखो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब शो होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा हमारे पास कार्बन चेन में। माइनस आई इफेक्ट कब शो होगा? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। अब हम इनके देखो एग्जाम्पल हम कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कार्बन चेन है और इसके साथ यहाँ पे कोई जी ग्रुप अटैच है। अगर ये जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ अगर ये जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज लेसर एज कम्पेयर टू कार्बन। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इसलिए कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो हमारे पास ग्रुप है उसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। और अगर मान लो ये प्लस आई इफेक्ट शोन करेगा अगर कार्बन चेन के अंदर जो ग्रुप अटैच है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ग्रुप की क्या होगी? अब ज्यादा होगी कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे ग्रुप पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या सही इफेक्ट हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ऐसे हमें चेक करना होगा। और यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं और क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे हम। हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अगर हम प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात करें तो इसमें देखो क्या हो जाएगा? RCH2 पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव आएगा इस केस में। प्लस आई इफेक्ट के केस में क्या हो जाएगा? RCH2 नेगेटिव। सो गाइस अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट के लिए। यहाँ पे RCH2 देन NH फिर O नेगेटिव फिर हमारे पास ये टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी CH3CH2 CT3। ये यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ट्राइटियम वो लिखा हुआ है। फिर CT3 ड्यूटेरियम CH3 हाइड्रोजन है फिर आइसोटोप ट्राइटियम ड्यूटेरियम और देन हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर हम बात करें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? OF2 नेगेटिव देन यहाँ पे OR2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा? OF2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे NF3 पॉजिटिव NCl3 भी पॉजिटिव NR3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव फिर यहाँ पे NO2 आएगा CN आएगा SO2R CHO CO फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन। ठीक है, आप ये ऑर्डर जो है वो नोट डाउन कर लेंगे कि प्लस आई इफेक्ट लिए हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा और माइनस आई इफेक्ट का हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशंस देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या होगी। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। गाइस अगर हम इसके एप्लीकेशन की देखें तो सबसे पहले ही हमें इसके एप्लीकेशन में आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो
कटाइन। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से पता करते हैं। कार्बोकटाइन हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कार्बोकटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इसके अंदर देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे पता करेंगे। अगर हमारे पास, अगर हम बात करें हमारे पास कंपाउंड हुआ यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज, देखो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल कार्बोकटाइन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इसको पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको, इसकी स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है, इसको स्टेबल कैसे किया जा सकता है, जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज अटैच होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज सबसे ज्यादा कहाँ दी गई, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इसलिए हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। देन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये हो जाएगा। फिर ये सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल कौन सा हमारा, मिथाइल कार्बोकटाइन। इसको जब कार्बन एटम हमारा एक कार्बन से घिरा होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी, दो कार्बन से घिरा होता है सेकेंडरी, और तीन कार्बन से गिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा, टर्शियरी, देन सेकेंडरी, प्राइमरी, एंड देन सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, मिथाइल कार्बोकटाइन। ठीक है, और सपोज इसकी जगह पे जगह अगर हमारे पास ये एग्जांपल आ जाए, अब हमारे पास यहाँ पे CH3 ग्रुप की जगह पे अगर हमारे पास क्लोरीन एटम अटैच हो जाए, अब हमें बताया क्लोरीन कैसा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच के ले जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच के ले जाएगा, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन इसे खींच के ले जा रहे हैं, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। अब सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे दो है, तो ये उससे थोड़ा कम, ये इसके पास, ये इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल मिथाइल कार्बोकटाइन, देन ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो समझ आया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तब कैसे ऑर्डर को चेक करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तब कैसे ऑर्डर को लगाना है। नेक्स्ट सेकंड इसकी एप्लीकेशन है, हम सेकंड चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। देखो हम कार्बोएनायन से केस में कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे, अब कार्बोएनायन जो हमारे पास क्या ऐसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, कार्बोएनायन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब इससे केस में अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप एक बार देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे और इंक्रीज कर देगा, तो उससे तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, एक तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अब ये उस पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे इसको अनस्टेबल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे सिंगल अटैच है, और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बोनाइन, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिथाइल
कार्बेनाइल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और देन लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा हमारे पास, टर्शियरी। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, अब ये भी हमारी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो ये फ्री रेडिकल, तो गाइस देखो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो स्टेबल की स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो इसके अंदर भी ऑर्डर क्या लगेगा हमारा, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ऑर्डर क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, वो लीस्ट स्टेबल होगा, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल के केस में भी, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा पूरा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट अब हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोग चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है पहले उसको अटेंड कर लेना। और अब हमने GOC को स्टार्ट कर दिया है, अब हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू GOC को ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।